वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी मैक्रम क्रिएशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ वेस्टेज मैक्रम से एक फोटो फ्रेम बनाने जा रहे हैं जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बहुत कम समय में बन जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमें इस फोटो फ्रेम में बनाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया है जिसे हमने फोटो फ्रेम की शेप में कट कर लिया है। हमें इसके टू पीस लगेंगे। इस तरीके की ट्रांसपेरेंट शीट लिए। हमें एक हल्का वाला कार्डबोर्ड चाहिए जिसे हमें पीछे रैप करना है। इस कार्डबोर्ड को रैप करने के लिए हमें सिल्वर कलर का एक पेपर चाहिए। हमने यहाँ फोर कलर की कॉर्ड ली है जिसमें हमको व्हाइट, ब्राउन, येलो एंड रॉयल ब्लू कॉर्ड ली है। सीजर, लाइटर, फेविकॉल, फेविबॉन्ड, हाफ गोल्डन मोती स्मॉल साइज का लिया है जिसमें मैंने पर्ल हाफ मोती लिया है और हमें इसमें हॉट ग्लू गन चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ टू पीस कार्डबोर्ड के ले लिए हैं जिसे मैंने फोटो फ्रेम की शेप में कट किया है। हमें इसमें यहाँ ब्राउन कलर की कॉर्ड लेनी है और जिसे इस तरीके से हम खोल लेंगे और हमें इन दोनों बोर्डों को एक बराबर रखकर और इसमें बीच में से इसमें एक नॉट लगा लेते हैं। और इसे पीछे की साइड से करते हुए और हमें इसके ऊपर पर इस तरीके से कॉर्ड को निकालते हुए इस पर रैप करते हुए चलना। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से इसको पूरे फोटो फ्रेम को पूरी तरीके से रैप करते हुए इसको पूरा कवर करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पूरी तरीके से रैप कर लिया। बस हमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ कॉर्नर में होती है जिसे हमने पत्तियों की शेप देते हुए इस पर कवर कर लिया है। अब हमें फ्रेंड्स, इसके बाद में हम यहाँ व्हाइट कलर की कॉर्ड ले लेंगे जिसको मैंने बीच बीच में से जो छोटे छोटे कॉर्ड हैं इनको इसमें मैंने ज्वाइंट कर लिया है। हमें इसको तीनों कॉर्डों को एक बराबर रख के लाइटर से इन तीनों कॉर्डों को हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। और ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम अपने सिर की चोटी गोती है उसी तरीके से हमको यहाँ इन तीनों कॉर्डों को भी चोटी की तरीके से ही गोनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ इस तरीके से पूरी चोटी को इस तरीके से इसकी पूरी गो कर ली है। हमें इस तरीके से एक डोरी तैयार करनी है। अब इस डोरी को हमें इसके ऊपर हॉट ग्लू की सहायता से फ्रेंड्स, फोटो फ्रेम के ऊपर इसको इस तरीके से हमें हॉट ग्लू लगाते हुए चलना है।
देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ इसको इस तरीके से चारों तरफ से इसको चिपका लिया है। इसी तरीके से हमने अंदर भी चारों तरफ से वाइट कॉर्ड को इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब हमें इसके बाद में हमें फ्रेंड्स यहाँ ब्लू कलर की हमें यहाँ ये दो कलर की कॉर्ड लेनी है, जिसमें हमको इस तरीके से सबसे पहले येलो कलर की कॉर्ड को इस तरीके से कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमें इसको पत्ती की शेप में इस तरीके से चिपका लेंगे। अब हमें इसमें ब्लू कलर की कॉर्ड को इस तरीके से रखते हुए और इसी के ऊपर इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे भी हम इसमें इस तरीके से चिपका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इसको कली बना ली है। उसी प्रकार से हमें यहाँ इस तरीके से हमें सिक्स एक फ्लावर में सिक्स कली लगेंगी। अब हमें इसे लाइटर से इनको फ्लावर का शेप देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लावर बनके इस तरीके से तैयार है। हमें इसी तरीके से यहाँ ऐसे सिक्स फ्लावर लगेंगे। फ्रेंड्स, हमें अब इस फोटो फ्रेम के ऊपर इन सिक्स फ्लावरों को अटैच करना है। फ्रेंड्स, हमें इसमें फ्लावर के लिए इसमें इस तरीके से हॉट ग्लू लगाते हुए देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तीन फ्लावर इधर और तीन फ्लावर इधर अटैच किए हैं। अब हमें इसमें इस तरीके का मोती लेकर के इसमें मोती चिपकानी है। हमें इसमें यहाँ फोटो फ्रेम पर
देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ इस तरीके से मोतियों को लगा लिया है। अब हमें इस तरीके के मोतियों को इसके ऊपर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है। अब हमें इसके बाद में फ्रेंड्स, हमें येलो और रॉयल ब्लू कलर की मैक्रम लेनी है, जिसे हमें लाइटर से हम इसको इस तरीके से चिपका लेंगे। अब हमें इसके ऊपर अपनी बुनाई डालनी है, जिसमें हमें ब्लू कलर से येलो के ऊपर नॉट लगानी है। अब हमें येलो को ब्लू के ऊपर नॉट लगानी है। अब ब्लू को येलो के ऊपर से येलो को ब्लू के ऊपर से इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमें आगे तक नॉट लगाते हुए चलना है, जिसमें हमें एक तरफ से ब्लू और एक तरफ से येलो इसको फुल हमें यहाँ पूरे इतने यहाँ तक इतने इसको नॉट लगानी है। फ्रेंड्स, हमने इस पर नॉट लगाकर इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है, जिसे हमें अब फोटो फ्रेम के ऊपर इसे भी स्टिच करना है। फ्रेंड्स, ये फोटो फ्रेम ले लिया है हमने। अब हमें इस फोटो फ्रेम पर इसको बिल्कुल बीच सेंटर पर ले जा करके इसको यहाँ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हमें हमने जो यहाँ शीट ली थी, अब हमें इस शीट को इसके ऊपर यहाँ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ इस तरीके से पेपर को इस पर अटैच कर दिया है। ये फोटो फ्रेम हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार है। अब हमें इस फोटो फ्रेम के ऊपर हमने जो यहाँ एक सिल्वर शीट ली थी और जो हमने कार्डबोर्ड लिया था हल्का वाला, हमने उसके ऊपर इसको एक साइड से रैप कर दिया है। अब हमें इस सिल्वर शीट को इस फोटो फ्रेम पर इसको इस तरीके से यहाँ इसके ऊपर अटैच करना है, जिसमें हमें यहाँ तीन तरफ से हॉट ग्लू लगाना है और इसको यहाँ इस तरीके से इसको यहाँ स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फोटो फ्रेम इस तरीके से कुछ इस तरीके से बनकर तैयार है, जिसमें हमने यहाँ पेपर शीट को कर लिया है कवर। हमने इसको पीछे से भी रैप कर लिया है, जो हमने यहाँ इस तरीके से इस पर हैंगिंग के लिए लगाया था, हमने यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ कट करके ऊपर एक तरफ से हमने इसको खुला छोड़ा है फोटो लगाने के लिए, और इस दोनों तरफ से इसको यहाँ हॉट ग्लू की सहायता से इसको स्टिच कर दिया है। फ्रेंड्स, हमारा ये फोटो फ्रेम बनकर रेडी है, आप इसे बनाइए। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।